हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ स्टफ्ड परवल की करी बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं, इसके लिए हमको परवल को ऐसे कैविटी बनाना है और ये पीछे से ऐसे रहना चाहिए। एक बना के बता देते हैं आपको। देखिए, ये पीलर की हेल्प से या आप फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं या स्पून की। ऐसे इसका पूरा अंदर का निकालना है। आहिस्ते आहिस्ते करिएगा। देखिए, अब इसमें से ये जो बीज है इसको हमको अलग निकाल लेना है, नहीं तो वो मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये इसको हमने पहले से इसमें से बीज निकाल के रखा है और इसमें से भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, बीज निकल गया है। अब आइए परवल को थोड़ा सा कढ़ाई में तल लेते हैं। इसको करने से परवल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और करी में जल्दी पक जाएंगे। देखिए, अब ये हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हमें इसको प्लेट पे निकाल लेना है। अब देखिए, हम ये जो परवल के अंदर का निकाले थे उसको भी हमको हल्का सा फ्राई करना है, तो इसमें हम लोग उसको डाल के फ्राई करते हैं। क्योंकि इसको स्टफिंग में के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको पकाना ज़रूरी है, नहीं तो कच्चा ही रह जाएगा। अब इसमें हम ज़रा सा नमक डालेंगे। और थोड़ी सी किशमिश, कटे हुए थोड़े से काजू, और पनीर को मैश करके डालना है। इसको हल्का सा भून लेना है और इसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। देखिए, ये स्टफिंग तैयार है। हमको इसको प्लेट में निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल लेके करी की तैयारी करनी है, जब तक कि हमारा परवल और स्टफिंग दोनों ठंडे हो रहे हैं। तो हमने सरसों का तेल लिया है और इसको गर्म होने देते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे, तेज़पत्ता, और ये तेज़पत्ते के साथ ही कुछ खड़े मसाले, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, और ये दालचीनी। देखिए, इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये फूटे नहीं।
देखिए अब ये खड़े मसाले हो गए हैं, अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। दो प्याज है मीडियम साइज का। देखिए जब ये प्याज हल्का सा भुन जाए तो हमको अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी अच्छे से भूनना है अब दोनों को, जब तक कि तेल मसालों से अलग ना हो जाए। देखिए अब ये प्याज हो चला है, अब यहाँ पे हम दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो अब इसमें हमने मसाले मिलाने हैं, एक छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि इसमें थोड़ा कलर अच्छा आ जाए, और गरम मसाला। इनको भी अच्छे से भून लेना है। और देखिए यहाँ पे हमको थोड़ी सी चीनी डालना है, चीनी मिठास के लिए नहीं डालना है, सिर्फ मसालों का टेस्ट बैलेंस करे इसलिए डालना है। देखिए अब ये हो रहा है, इसमें जरा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए टमाटर भी भुन चला है, अब हमको यहाँ पे थोड़ी सी दही मिलानी है। और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और साथ में ही हम यहाँ पे मिलाएंगे काजू और बादाम और खसखस का पेस्ट। इनको अच्छे से भूनते हैं। देखिए मसाले भून रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा और भून के हमको इसमें पानी मिलाना है। और जब तक आइए हम अपने परवल में स्टफिंग कर लेते हैं जब तक ये मसाले भून रहे हैं। देखिए अब हम अपने ये जो परवल है इसमें स्टफिंग करते हैं। इस तरीके से इसमें स्टफिंग करनी है। और आइए इसी तरीके से सारे परवल में स्टफिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पेस्ट एकदम रेडी है, अब इसमें हम थोड़ा सा करी के लिए पानी डालते हैं। अब ये देखिए करी उबल रही है और इसमें हमको आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके सारे परवल डाल देने हैं। और देखिए इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। देखिए अब ये 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारी ग्रेवी भी एकदम रेडी है। तो आइए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी स्टफ्ड परवल करी बनके तैयार है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।